हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मैं मुकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल वोल्केनिक क्लासेस में। स्टूडेंट, इसके पहले मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं एनसीईआरटी का चैप्टर 2 इन्वर्स स्टिमेटिव फंक्शन का। अभी मैं टॉपिक आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्स स्टिमेटिव फंक्शन का मिसलेनियस। स्टूडेंट, अगर आपने वो अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फ्लोइंग्स। क्वेश्चन नंबर 1, कॉस इनवर्स 13π/6। स्टूडेंट, कॉस इनवर्स 13π/6, इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं कि 13π इसमें क्या हमको लिखाना है। यहाँ पर 13π कॉस इनवर्स और कॉस अपन कैंसिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कैंसिल कर सकते हैं कि इसका कॉस इनवर्स का जो मेरा रेंज है क्या है, 0 से लेकर पाई के बीच में, और 13π/6 इसके रेंज में नहीं आता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसके वैल्यूज को हमको इस रेंज में लाना है, तब हम उसको कॉस इनवर्स और कॉस को कैंसिल कर सकते हैं। तो हम लोग क्या बताए थे इसके पहले वीडियो में, बताए थे हम कॉस इनवर्स कॉस। अब ये डिनोमिनेटर क्या है मेरा, डिनोमिनेटर जो है मेरा, न्यूमरेटर का जो वैल्यू है डिनोमिनेटर से मेरा क्या अधिक है, तो हम क्या बताए थे इसको डिवाइड करने के लिए। इसको अगर डिवाइड कर देंगे 6 से तो क्या हो जाएगा, 6 × 2 = 12, यानी 2 बार में 2π लिख देंगे, बचा कितना 12 आया। 13 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो क्या लिखेंगे +π/6। अब इसको देखिए, वापस अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो क्या होगा, 6 × 12 और 1 कितना होगा 13π। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, फॉर्मूला हमारा cos 2π + θ = cos θ। तो हम लोग क्या करेंगे, cos inverse cos π/6, 2π cos 2π + θ क्या हो जाएगा मेरा cos θ, थीटा क्या हो गया हमारा π/6। अब देखिए यहाँ पर cos इनवर्स cos मेरा कैंसिल, बचेगा क्या हमारा π/6। अब देखिए π/6 हमारा रेंज के बीच में आ रहा है, तो ये मेरा आंसर सही हो गया। चलिए इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 10 × 7π/6। अब यहां पे देखिए 10 × 10 को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका रेंज क्या होता है −π/2 से लेकर +π/2 तक, ये रेंज होता है। अब इसके रेंज के बीच में ये आता नहीं है, इसको हम लोग लाना पड़ेगा 10 inverse 10। अब देखिए इसका न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे 6 से, 6 बन जा 6, बचेगा कितना 1। अब देखिए दोबारा इसको कैलकुलेशन करेंगे क्या 6π + π कितना 7π/6, ये भी हमारा फॉर्मूला है 10π + θ = 10θ। अब देखिए क्या होगा, 10π + θ क्या होगा मेरा 10θ, थीटा का वैल्यू क्या है मेरा π/6, 10 × 10 मेरा कैंसिल, आंसर मेरा π/6। अब देखिए π/6 हमारा रेंज के बीच में आ रहा है, −π/2 के बीच में आ रहा है, −π/2 से +π/2 के बीच में, यानी ये मेरा आंसर हो गया। चलिए हम लोग इसके बाद क्वेश्चन है प्रूफ दैट, क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लग रही हो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
टू साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू टेन इनवर्स 24/7। इस क्वेश्चन में देखिए, या तो हम लोग एलएचएस ले सकते हैं या तो आरएचएस ले सकते हैं। प्रूफ करना है, एलएचएस अगर लेंगे तो हम क्या प्रूफ करेंगे, आरएचएस के बराबर। अगर आरएचएस लेंगे तो क्या प्रूफ करेंगे, हम लोग एलएचएस के बराबर। तो हम इसमें एलएचएस ले लेते हैं, एलएचएस 2 साइन इनवर्स 3/5। अब देखिए यहां पर 2 साइन इनवर्स है, साइन थीटा, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा लिख सकते हैं। उसी तरह यहां देखिए 2 साइन इनवर्स लिखा हुआ है, इसको अलग कर सकते हैं इसे, तो क्या करेंगे हम लोग, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब देखिए हमारा फॉर्मूला में आ गया, फॉर्मूला हमारा क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, क्या होता है फॉर्मूला हमारा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर। अगर मेरे यहां पर प्लस रहेगा तो क्या करेंगे, यहां पर प्लस दे देंगे प्लस। अब यहां पर एक्स ले चुके हैं तो क्या लेंगे, वाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला को यहाँ पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, साइन इनवर्स। अब देखिए ये मेरा एक्स की जगह पर, ये मेरा वाई की जगह पर है, थ्री बाय फाइव रूट अंडर वन माइनस 3/5 का होल स्क्वायर प्लस 3/5 रूट अंडर वन माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। क्योंकि यहां पर x और y है और x y यहां पर क्या है मेरा सेम है, इसलिए यहां पर ये x का वैल्यू हो गया, ये y का वैल्यू हो गया। साइन इनवर्स, अब देखिए यहां पर 3/5 हमारा है, ये देखिए दोनों सेम है, दोनों सेम है, इसको हम ऐड कर सकते हैं, ऐड करके क्या लिखते हैं, 2 इंटू 3/5 रूट अंडर 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। क्या हम लोग ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम टर्म है, तो सेम टर्म क्या होगा, 1 टर्म और 1 टर्म कितना हो गया, 2 टर्म, इसको हम डायरेक्ट नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अगर ऐसा नहीं आपको समझ में आएगा तो क्या कर सकते हैं, इसको अलग कैलकुलेशन करेंगे, इसको अलग कैलकुलेशन करेंगे, वो वैल्यू सेम आएगा हमारा, साइन इनवर्स 2 इंटू 3/5। अब देखिए यहीं पर हम स्क्वायर कर देते हैं, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। अब यहां पर एलसीएम लेंगे क्या आएगा मेरा, रूट अंडर 25, 25 माइनस 9 साइन इनवर्स 2 इंटू 3/5, 25 से 9 घटाएं कितना हो जाएगा 16, और ये रूट में है तो क्या बचेगा मेरा 4, और यहाँ 25 है रूट में क्या बचेगा यहाँ पर 5। अब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, कट रहा है कहीं नहीं कट रहा है, इसको नहीं कटेगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन इनवर्स 4 से 12 12 हो जाएगा 24/25। अब मेरा आरएचएस को देखिए क्या मेरा 10 इनवर्स है। अब साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 10 इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे
दो तरीका, एक तो मेरा फॉर्मूला है और नहीं तो हम जो प्रीवियस क्लास में बताया है क्या है ट्रायंगल मेथड, तो हम लोग दोनों मेथड अपना सकते हैं। तो ट्रायंगल मेथड से देख लीजिए हमारा, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग साइन थीटा, साइन इनवर्स 24/25 इज इक्वल टू थीटा। साइन इनवर्स 24/25 इज इक्वल टू थीटा, तो साइन इनवर्स को अगर हम इधर ले जाएं क्या हो जाएगा मेरा 24/25 इक्वल टू साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है मेरा p by h, p मेरा कितना हो गया 24, h कितना हो गया मेरा 25। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे b, 25 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 625, और 24 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 24 24 4 6 1 8 9 8 4 6 10 9 10 10 17 5 7 6 हो जाएगा। तो 24 का कितना स्क्वायर आ जाएगा मेरा 576, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे 15 में से 6 सब्ट्रैक्ट है तो 549 बचा यहाँ पर 1 यानी 11, 3 एक 4 एक कैरी दे दिए थे यानी 49 है तो रूट में लेंगे कितना आ जाएगा आपका 7, इसके पहले कितना आ गया मेरा 7। अब यहाँ पर किसके वैल्यू लेना है टेन थीटा का, तो टेन थीटा का वैल्यू हो जाएगा पी, पी मेरा कितना परपेंडिकुलर है 24/7, ये हमारा टेन थीटा का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग टेन थीटा का वैल्यू आ गया, टेन बस का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, टेन बस का वैल्यू हो जाएगा मेरा, इसको इधर ले जाएंगे क्या होगा थीटा इक्वल टू टेन बस 24/7, ये हो सकता है, यहाँ टेन था टेन को इधर ले जाएंगे और टेन बस 24/7 ये मेरा थीटा का वैल्यू है। तो थीटा हम क्या माने थे, थीटा हम माने यहीं पे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, थीटा का वैल्यू तो यहीं आ गया, यही मेरा आरएचएस के बराबर भी हो गया। इसको यहाँ पे यहीं से देख लीजिए, नोट लीजिए साइन इनवर्स 24/25 इक्वल टू थीटा माने हैं। अब वापस मेरा क्या है, ये थीटा है, थीटा का वैल्यू मेरा आ गया क्या 10/24/7, किसके बराबर आ गया हमारा आरएचएस के बराबर। तो यही बोल सकते हैं हम लोग देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूफ। चलिए हम लोग अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 10/77/36। फिर देखिए क्या है, एलएचएस इक्वल टू हम क्या प्रूव करना आरएचएस, ये देखिए फॉर्मूला हमारा दिख रहा है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, फॉर्मूला क्या होता है हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला को तोड़ देंगे, एलएचएस इक्वल टू साइन इनवर्स
8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू, इसी फॉर्मूले को तोड़ने से क्या आएगा मेरा साइन इनवर्स एक्स, एक्स का वैल्यू मेरा क्या है 8/17 रूट अंडर 1 माइनस वाई का वैल्यू क्या मेरा 3/5 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या है मेरा 3/5 रूट अंडर 1 माइनस x का वैल्यू क्या है 8/17 का स्क्वायर होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज साइन इनवर्स। अब इसको सॉल्व कर देंगे 8/17। अब यहां पे देखिए 3/5 3 के स्क्वायर करेंगे क्या होगा 1 माइनस 9/25 एलसीएम लेंगे क्या आएगा मेरा 25 में से 9 घटाएंगे कितना 60 ये रूट लगा हुआ है रूट में क्या हो जाएगा 4/5 जिसके जब हम डायरेक्ट नंबर लिख सकते हैं 4/5 प्लस 3/5 इनटू इसको भी सॉल्व कर लेंगे यहां क्या है हमारा रूट अंडर 1 माइनस 8 पे स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 64 17 पे स्क्वायर करेंगे क्या होगा 17 289 रूट अंडर 289 में 64 कटा देंगे 289 माइनस 64 बाय 289 अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा मेरा 289 9 में से 4 गया 5 8 में 6 किया 2 और 225 किसका स्क्वायर रूट है 15 का और किसका हो गया मेरा 17 वैल्यू आ रहा है 15/17 यहां लिख देंगे 15/17 अब यहां पर कट रहा है नहीं कट रहा है साइन इनवर्स 48 जा 32 75 जा 35 5 3 आठ में 5 5 5 2 8 अरे 5 3 8 ठीक है इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 85 दोनों सेम है इसलिए हम एलसीएम ले सकते हैं एलसीएम में क्या होगा 85 साइन इनवर्स अब इसको ऐड करेंगे कितना होगा 5 6 7 हो गया और 4 3 7 / 85 अब देखिए साइन इनवर्स मेरा आ गया हमको क्या चाहिए टेन इनवर्स तो या तो यहां पर हम ट्रायंगल रूल अपना सकते हैं और नहीं तो फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला हमारा साइन इनवर्स x इक्वल टू टेन इनवर्स x बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर ये भी हमारा फॉर्मूला होता है दोनों में से एक मेथड नो ले सकते हैं चलिए हम ट्रायंगल मेथड सॉल्व करते हैं ये मेथड इसलिए ही पड़ता है क्योंकि इतना फॉर्मूला को याद करने का जरूरत नहीं पड़ता है P मेरा कितना आ जाएगा 77 H कितना आ जाएगा 85 अब 85 के स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 85 2 मार्क में 85 40 42 85 40 0 4 8 is 64 यानी 68 5 2 8 4 12 2 8 4 12 2 बना के 7 कितना आ रहा है 7225 इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर कर लेंगे 7777 इनटू 7749 4 7749 53 इनटू
5929 इसको इसमें सबट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा 15, 15 में से 9 गया 6, 11, 11 में से 2 गया 9, 11, 11 में से 9 गया 2, 1 कैरी दिए कितना बचा 6, 6 में 5 गया 1, कितना आया 1296। अब देख लेंगे 1296 इसका स्क्वायर 1296 फिर चल गया 9, 12 में से 9 गया 3, इधर 96 चल गया, इसको ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 3 3 6। अब देखिए ट्रिक क्या है, मेरा लास्ट में 6 है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या 6 6 36, 6 तीन हाथ में 6 6 या 36, 36 और 3 39 आ गया हमारा, कितने बार में गया मेरा 6 बार में 396, ये कैंसिल यानी किसका स्क्वायर रूट था 36 का, इसका वैल्यू कितना है मेरा 36। तरीका क्या मान है बनाने का, इसको सिंपल सा हम क्या करते हैं साइन वर्स 27/85 को हम लोग थीटा मान लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे साइन को इधर ले जाते हैं तो 77/85 इक्वल टू साइन थीटा हो गया। अब यहां से साइन थीटा आ गया तो हम यहां से क्या ले सकते हैं टेन थीटा का डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं, टेन थीटा वैल्यू क्या हो गया 77/36 क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब हम लोग क्या लिखाना है टेन इनवर्स का वैल्यू लिखाना, यहां थीटा माने थे थीटा का वैल्यू लिखाना है तो क्या होगा ये इधर आ जाएगा क्या होगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 77/36 आंसर। ठीक है एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गया देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। यहां से हम लोग डायरेक्ट यहां पे क्या कर सकते हैं इसको 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, मगर अगर इसको पूरा लेके थीटा लेके अगर सॉल्व करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, टीचर अच्छा मार्क्स देता है, इसलिए हम इसको थीटा लेके सॉल्व करते हैं। नहीं तो हम लोग ट्रायंगल बनाकर डायरेक्ट हम यहां पर इसको साइन वर्स 77/85 इक्वल टू यहां लिख सकते हैं 10 इनवर्स डायरेक्ट ये हम लोग कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/30 इक्वल टू cos इनवर्स 33/65 ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए हमको क्या है यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है, LHS हमारा क्या है इसको ले लेंगे। अभी देखिए हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या होता है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है x इंटू y cos इनवर्स x इंटू y। ठीक है यहां प्लस रहेगा तो क्या देंगे यहां पर उल्टा साइन उल्टा देंगे माइनस रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर ये हमारा फॉर्मूला। डायरेक्ट ये फॉर्मूला फिर ले लेंगे हम लोग LHS इक्वल टू cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/30 cos इनवर्स। अब क्या मेरा x इंटू y, x क्या मेरा 4/5 इंटू y का वैल्यू क्या मेरा 12/30 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्या मेरा 4/5 का स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई का स्क्वायर 12/30 का स्क्वायर
cos inverse 4 into 12 by 5 into 30 minus. अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 16. एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, कितना होगा 25 माइनस 4 16 बाय 25. इसको भी सॉल्व करेंगे और 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है 169. एलसीएम लिए तो क्या होगा 169 माइनस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144. cos इनवर्स 4 into 12 by 5 into 13 minus. अब देखिए 25 में 16 घटेगा कितना बचेगा 9. तो 9 है ये रूट में क्या आएगा मेरा 3. और ये 25 का क्या आएगा 5 into 169 में से 144 घटाएंगे कितना बचेगा, तो 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, यानी 25. रूट में क्या आएगा 5. और 169 रूट में तो क्या आएगा मेरा 30. cos इनवर्स रूट अंडर 12 इंटू 4 कितना हो जाएगा 48. 5 3 15 5 बना तो यानी 65 हो गया. माइनस 5 3 15 बाई 65. अब देखिए दोनों में 65 65 सेम है, तो एक ऐसे ले लेते हैं एक बार, क्या लिख देंगे एक 65. तो cos इनवर्स 48 में से 15 घटा देंगे कितना हो जाएगा 8 में से 5 गया 3 और 4 में से 1 गया 3 बाय 65. देखिए LHS कितना आ गया मेरा RHS के बराबर आ गया, तो हम लिख सकते हैं therefore LHS equal to RHS. proof. चलिए अब next question चलते हैं, question number 6. cos inverse 12 by 13 plus sin inverse 3 by 5 equal to sin inverse 56 by 65. अब इसमें भी देखिए LHS में दिया और किसके बराबर प्रूफ करना है, RHS के बराबर, तो हम लोग LHS को ले लेंगे. cos इनवर्स 12 by 13 प्लस sin इनवर्स 3 by 5. अब यहाँ आप देखिए sin इनवर्स के बराबर प्रूफ करना है, ये तो मेरा sin में ही है, अगर हम इसको sin में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा sin इनवर्स x plus sin इनवर्स y का फॉर्म में आ जाएगा. इसको हम लोग sin के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या करेंगे, हम लोग ट्रायंगल वाला रूल से करेंगे. क्या हो गया b by h हो जाता है, बेस कितना हो गया 12 और h कितना हो गया मेरा 13, तो क्या होगा 169. टेक दिस का 169 में 144 बटा देंगे कितना आ गया मेरा 25. तो 25 का रूट लगा दें क्या होगा 5 आ गया. तो हमको क्या लेना है sin इनवर्स, साइनवर्स क्या होता है मेरा p by h, p मेरा कितना 5 by 13 plus p मेरा 5 हो गया, h हो गया 13, साइन इनवर्स 3 by 5. अब देखिए मेरा फॉर्मूला आ गया साइनवर्स x plus साइनवर्स y के फॉर्म, साइन इनवर्स x plus साइनवर्स y क्या था फॉर्मूला मेरा, साइन इनवर्स x root under 1 minus y square plus y root under 1 minus x square. ये फॉर्मूला ले लेंगे, sin
इनवर्स 5/13 रूट अंडर 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर प्लस 3/5 रूट अंडर 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर साइन इनवर्स 5/13। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, 3 के स्क्वायर 9, 1 माइनस 9 पूरा लिखिए, रूट अंडर 5 के स्क्वायर करेंगे क्या 25, एलसीएम 25, 25 माइनस 9 प्लस 3/5 रूट अंडर एलसीएम के बराबर 13 के स्क्वायर करेंगे क्या होगा 169, 169 माइनस 5 के स्क्वायर 25 साइन इनवर्स 5/13 25 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा 16, 16 रूट हटेगा क्या हो जाएगा 4/ 25 के बाद क्या हो जाएगा 5 प्लस 3/5 इनटू 169 में 25 घटाएंगे कितना होगा 9 में से 5 गया 4, 6 में 2 गया 4 यानी 144 और ये रूट में है तो क्या बचेगा 12 12 हो गया और 169 रूट घटाएंगे क्या होगा 13 साइन इनवर्स। अब सॉल्व करेंगे इसको, देखिए दोनों सेम है ना, 13 टू 5 13 टू 5 ऐसे मिल ले लेंगे क्या होगा 65, 5 से 15 5 गुना करें 5 में 5 65 हो गया 4 5 या 20 प्लस 12 थ्री 36 इक्वल टू साइन इनवर्स 20 और 36 को जोड़ देंगे ना 6 एंड 56 हो गया, नीचे हो गया 65। देखिए हमारा आरएचएस के बराबर आ गया तो हम बोलेंगे देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूफ। चलिए हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में टेन इनवर्स 63/16 इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। अब हमारा देखिए यहाँ पर एलएचएस और आरएचएस, तो बड़ा क्या हमें आरएचएस तो आरएचएस ले लेंगे हम लोग, आरएचएस इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। अब हमको क्या लाना है, साइन ऑफ कॉस को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको 10 में, तो हम लोग डायरेक्ट ट्रायंगल मेथड से कर सकते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला भी हमारा है। चलिए हम लोग ट्रायंगल मेथड से करते हैं, साइन है साइन क्या होता है पी बाई एच, पी मेरा कितना हो गया 5, एच कितना हो गया मेरा 13, तो 13 के स्क्वायर क्या करेंगे 169 और 5 का स्क्वायर 25 कितना आ जाएगा मेरा 144 और रूट लगाएंगे क्या होगा 12, तो यहां से हमारा इसको 10 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 10 इनवर्स क्या होता है मेरा p, एंड p कितना मेरा 5 और बेस बेस कितना मेरा 12 ठीक है। साइन इनवर्स को किसमें 10 इनवर्स में कन्वर्ट कर दिए, अब कॉस इनवर्स को कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसका अलग ट्रायंगल बनाएंगे और इसका अलग ट्रायंगल बनाएंगे, एक ही ट्रायंगल में दोनों को नहीं सॉल्व कर सकते हैं, अगर दोनों को सॉल्व करें तो क्या होगा हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि इसका एंगल अलग है इसका एंगल अलग है, थीटा यहाँ बदल जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो भी हम लोग थीटा लेंगे एक थीटा लेंगे, अब इसे यहाँ पर थीटा यहाँ पर ये ले रहे हैं अब यहाँ पर ये लेंगे क्या होगा ये बदल जाएगा, ये थीटा फिर नहीं रहेगा इसलिए हम अलग अलग लेंगे,
दूसरा ट्रायंगल हम ले लेते हैं कॉस इनवर्स के लिए, क्या हो गया 3/5, यानी कॉस इनवर्स का क्या कॉस थीटा स्क्वायर क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, यानी 3/5 हो गया। तो 5 के स्क्वायर करेंगे कितना 25 और 3 के स्क्वायर करेंगे कितना 9, नया 16 रूट लगा देंगे क्या बनेगा 4, यानी पर्पेंडिकुलर कितना आ गया 4 आ गया। तो 10 इसको कन्वर्ट कर देंगे क्या होगा 10 इनवर्स क्या होता है हमारा P/V 4/3। अब देखिए हमारा फॉर्मूला आ गया 10 x + 10 y, फॉर्मूला हमारा क्या होता है 10 x + 10 y इक्वल टू x + y 1 - x into y, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्म में हम तोड़ देंगे तो क्या होगा यहां पर 10 x + y 5/12 + 4/3 / 1 - 5/12 × 4/3 ये हम लोग कर लिए। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे 10 इनवर्स एलसीएम कितना होगा, ऐसे में तो क्या होगा 12 मेरा हो गया, ट्वेल्व हमारा एलसीएम हो गया, ठीक। तो यहां पर 5 3 का टेबल में 12 कितने बार में आता है 4 बार में 4 हो गया 16 बाय इसको मल्टीप्लाई करके कितना 12 3 36 माइनस 4 5 गया 20/12 36 लिख सकते हैं हम लोग 10 x 16 / 5 21/12 × प्लस दिन कितना होगा 36/12 ये ले लिया हम लोग क्या हो गया 16 और 5 को ले तो क्या हुआ 20 21/12 और ये क्या हुआ ये मेन बेस ये है जिस क्या हो गया प्लॉट लगा क्या हुआ 36 ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा मेरा 36 में 20 घटा देंगे कितना आ जाएगा 6 3 में 2 गया 16 काट देंगे 12 3 36 इक्वल टू 10 इनवर्स 3 × 3 3 × 6 / 16 देखिए हमारा आरसीएस हम लिए थे एलसीएस तक पहुंच गया, एलसीएस में क्या 10 + 63/16 प्रूफ हो गया। देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। चलिए आज का हमारा सेशन यहीं तक क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारा है। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वहां से हम लोग फिर 7 क्लास क्वेश्चन नंबर 8 से फिर स्टार्ट करते हैं। अगर हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।